नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ऑल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने की सराहनीय पहल। कुटलहड़ में वर्षा शालिकाएं बनी स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वरोजगार का आधार। और अब समाचार विस्तार से। ऑल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने सदस्य सचिव ज्वाइंट एक्शन कमेटी डॉक्टर आर एल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज ओक ओवर शिमला में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। जन भावना एवं जन आकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प के साथ सेवारत प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहायों को सुलभ एवं सस्ता उपचार उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना इत्यादि के माध्यम से हर जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने की भी सराहनीय पहल सरकार ने की है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। स्वस्थ हिमाचल का सपना अब साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 885 प्रकार की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। इनमें क्षेत्रीय अस्पतालों, सिविल अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 885 दवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 417 और स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर विभिन्न बीमारियों की 72 दवाएं निशुल्क शामिल हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में 104.23 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है। राज्य में इन दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिलों के सभी 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, 4 चिकित्सा अधीक्षक, 6 चिकित्सा महाविद्यालय, 9 क्षेत्रीय अस्पताल, 3 जोनल अस्पताल को ई पोर्टल के जरिए दवाओं की खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। इस योजना के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस साल 2752 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है कि हिमाचल वासियों की सेहत की सुरक्षा के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के साथ साथ फ्लैगशिप योजना हिम केयर को ज्यादा कारगर बनाया जा रहा है। स्वस्थ हिमाचल, समृद्ध हिमाचल। जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल में वर्षा शालिकाएं स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वरोजगार का आधार बन रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एक नई पहल के तहत बंगाणा में ऊना हमीरपुर नेशनल हाईवे के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के फंड को मिलाकर जन सुविधाओं का सृजन किया गया है, जिसमें वर्षा शालिकाओं के साथ शौचालय व हिम ईरा शॉप शामिल है। हिम ईरा शॉप में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। ऊना हमीरपुर एनएच पर पर्यटक काफी संख्या में आते जाते हैं। यहां से हजारों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। ऐसे में बंगाणा विकास खंड के तहत कई स्थानों पर कन्वर्जेंस कर हिम ईरा की दुकानें खोली गई हैं। मनरेगा के तहत वर्षा शालिकाओं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से हिम ईरा शॉप तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुलभ शौचालयों को जोड़ा गया है, जिससे जहां लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं यात्रियों को बैठने के लिए वर्षा शालिकाओं की सुविधा भी मिल रही है। साथ ही यह वर्षा शालिकाएं स्वच्छता का संदेश भी दे रही हैं। मेरा नाम बिमला देवी है, मैं धुंधला से हूँ, जयगोरी समूह से बोल रही हूँ और महिला मंडल के प्रधान भी हूँ मैं, और ब्लॉक के थ्रू भी इन्होंने बना के दिया है, तो हमें शौक दी है ये, तो हम काम कर रहे हैं। आते जाते लोग सब लेके जाते हैं सामान, और गाँव के भी लेके जाते हैं,
और बाबा बालकनाथ जाते हैं, वो भी सामान लेके जाते हैं। अच्छा काम चला हुआ है हमारा। मैं उप प्रधान धुंधला रमन शर्मा। हमारा जो ये स्वयं सहायता समूह का हिम शॉप गांव ननावी में दुकान खोली हुई है, इसमें स्वयं सहायता समूह का जो ग्रुप बना हुआ है, महिलाएं जो हैं वो काफ़ी जोर शोर से काम चला रही हैं। इसमें साथ में शौचालय भी बनाए हुए हैं, रेन शेड भी बनाया हुआ है। इससे हम ग्राम पंचायत धुंधला से जो भी हैं, हम ब्लॉक बंगाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं सुषमा, प्रधान ग्राम पंचायत धुंधला। हमारे यहाँ ननामी में हिमीरा शॉप और रेन शटर, साथ में यहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ये हिमीरा शॉप जो है ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है, महिलाओं को जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। मैं भी इसकी जो मेंबर हूँ, और हमारे जो है ग्राम पंचायत धुंधला को यहाँ से इनकम भी हो रही है, हमारी महिलाओं को भी हो रही है, जो महिला सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं। यहाँ पे जो है लोग जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ रुकते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे टॉयलेट्स या वॉशरूम की जो सुविधा दी गई है। लोग जो है यहाँ रेन शटर के नीचे भी बैठते हैं जब लोग बस में जाते हैं। यहाँ पे मेन मैं अपनी सरकार का जो धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लोगों को बहुत ही सुविधा प्रदान की है, खासकर महिलाओं के लिए। उन्होंने जो है सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने रोजगार को चला रही हैं, वो अपने घर को भी चला रही हैं, 10 लोगों को और बता रही हैं, और उनकी जो है हौसला बधाई हो रही है। मैं राजकुमार जी, मेरा गाँव का देख कलाना है जी, और ग्राम पंचायत थाना कलां, तहसील उप तहसील बीड़ू है जी। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक की तरफ से ये जो शेड बना हुआ है वर्षा चाल का, वो हिमगेरा शॉप बनी हुई साथ में, यहाँ पे मेरी मिसेज के नाम है। तो मैं साथ में मैं भी अपना ये काम करता हूँ जी यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी जो सरकार ने एक पहल की हुई है, बहुत अच्छा मतलब कि रोजगार का साधन दिया हुआ है, वो साथ में शौचालयों का भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे इस मेन हाईवे पे टूरिस्ट जा रहे हैं, बाबा बालकनाथ या ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके लिए एक सुविधा हो गई। बंगाणा उपमंडल के तहत 3 स्थानों धुंधला, ककराणा व ननामी में वर्षा शालिकाओं के साथ साथ शौचालय व दुकानें बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 2,10,000 रूपए, वर्षा शालिका निर्माण के लिए 3,00,000 रूपए तथा हिमईरा की दुकान के लिए 60,000 रूपए की राशि व्यय की गई है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।